सब्सक्राइब कीजिए हेल्पफुल लॉसा चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, हेल्पफुल लॉसा चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने बताया था आपको कि अगर आप तत्काल टिकट करते हैं किसी सॉफ्टवेयर से या किसी ऑटो फिलर से तो आपको बैंक डिटेल को खतरा हो सकता है, आपकी बैंक से पैसे चोरी हो सकते हैं, आपका अकाउंट हैक हो सकता है। और मैंने बताया था अगर आपको तत्काल टिकट करना है तो आप मास्टर लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि मास्टर लिस्ट क्या है, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मास्टर लिस्ट के ऊपर। तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल हेल्पफुल आस्था नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले आपको ओपन करना है IRCTC का अकाउंट अपना। IRCTC का अकाउंट लॉगिन करने के बाद यहाँ प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर आपको मास्टर लिस्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये प्रोसीजर आपको तत्काल टिकट बुक करने से पहले आपको कर लेना है और यहाँ पर आपको नाम फिल कर लेना है। जैसे यहाँ पर मेरा डेमो नेम मैं डाले दे रहा हूँ, राहुल सिंह, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना है। नीचे जेंडर के भी ऑप्शन दिए गए हैं, जेंडर सेलेक्ट करना है, और अगर सीनियर सिटीज़न है तो सीनियर सिटीज़न, और यहाँ पर बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मतलब टोटल मिलाकर आपको ऑटो फिल का पूरा फॉर्म भर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेंडर है, और यहाँ पर ID प्रूफ सेलेक्ट करना है, लेकिन ID प्रूफ सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ID कार्ड नंबर पड़ता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। उसके बाद यहाँ पर सबमिट वाला बटन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे तो एक पर्सन आपका ऐड हो गया। आप यहां से इसको एडिट भी कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं सारी डिटेल फिल हो गई, आपको एडिट करना है एडिट भी कर सकते हैं, इस पर्सन को डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आप फिर से एक बार सारे नाम भर के आप दूसरे नाम भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपकी लिस्ट में बहुत सारे नाम ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पर एक ही नाम मैं ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर तत्काल टिकट का प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पर आपको जैसे लखनऊ से मुंबई जाना है तो यहाँ से लखनऊ से मुंबई सेलेक्ट करना है आपको, और नेक्स्ट डे तत्काल होता है तो नेक्स्ट डे की डेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद तत्काल कोटा यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और स्लीपर क्लास आपको सिलेक्ट कर लेना है, या थर्ड AC कर रहे हैं तो थर्ड AC, या सेकेंड AC कर रहे हैं तो सेकेंड AC। तो यहाँ पर स्लीपर क्लास मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं डेमो करके दिखा रहा हूँ, ये टिकट तो भर चुके हैं लेकिन मैं सिर्फ आपको बुक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे और सारी डिटेल भरने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा सेलेक्ट पैसेंजर फ्रॉम योर मास्टर लिस्ट, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो आपका नाम ऑटो फिल हो जाएगा। यहाँ पर सेलेक्ट पैसेंजर फ्रॉम मास्टर लिस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक ही नाम ऐड किया हुआ था तो यहाँ पर एक ही नाम आ रहा है, तो यहाँ पर टिक मार्क वाला ऑप्शन आ रहा है कि कौन सा नाम आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर टिक आपको लगाना है। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ऑप्शन सेलेक्ट पैसेंजर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ये कोई ट्रिक नहीं है तत्काल टिकट बुक करने की, यहाँ पर आपको मैं सिंपली बुकिंग करना बता रहा हूँ तत्काल टिकट कि कैसे नॉर्मली आप सेफ तरीके से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉर्मली जो कैप्चा आता है, जो इमेज आती है, उसको डालना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा, पेमेंट वाले ऑप्शन में अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो आपको OTP देना पड़ेगा, अगर आप UPI से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड की तरह OTP नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको अगर बेस्ट पेमेंट ऑप्शन चाहिए तो UPI से करिए, यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे UPI के बाद, और UPI ID आपको कॉपी करके पहले से रखना है। यहाँ पर आपको कुछ टाइप नहीं करना है, सिर्फ UPI ID डालना है, उसके बाद आपके मोबाइल पर रिक्वेस्ट आएगी, आपको पिन डाल के पेमेंट का प्रोसेस कर देना है और आपका तत्काल टिकट बुक हो जाएगा। इसमें ना आपको डेबिट कार्ड, ना OTP, ना नेट बैंकिंग, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप इससे बच जाएंगे और आपकी सारी डिटेल सेफ भी रहेंगी। दोस्तों, इस तरह से आप सेफ्टी के साथ पेमेंट कर सकते हैं और तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, IRCTC में कुछ और बदलाव किए गए हैं, कुछ और नए ऑप्शन जोड़े गए हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट करके बताइए मुझे, मैं उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में घंटी का निशान आएगा उसको भी दबाकर आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। और दोस्तों, नोटिफिकेशन तो आपको बिल्कुल ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि
क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आप तक नहीं पहुंच पाएगा, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आप नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।